बहादुर शाह जफर 1857 विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए दादा ने सपने में दिया था आदेश। 24 अक्टूबर 1775 को दिल्ली में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का जन्म हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह का उन्होंने नेतृत्व किया था। बहादुर शाह जफर पिता अकबर शाह आई की मौत के बाद गद्दी पर बैठे। अकबर शाह आई जफर को मुगल शासन नहीं सौंपना चाहते थे। कहा जाता है इसका कारण बहादुर शाह जफर का स्वभाव से कोमल होना था। इसके बावजूद उन्होंने 1857 की लड़ाई में भारतीयों का नेतृत्व किया। लड़ाई के शुरुआती परिणाम हिंदुस्तानी योद्धाओं के पक्ष में रहे, लेकिन बाद में अंग्रेजों के छल कपट के चलते प्रथम स्वाधीनता संग्राम का रुख बदल गया और अंग्रेज बगावत को दबाने में कामयाब हो गए, जिसके बाद अंग्रेजों से बचने के लिए बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में शरण लेनी पड़ी। वैसे शुरुआत में जफर विद्रोहियों के नेतृत्व के लिए राजी न थे। बीबीसी के लिए लिखे एक लेख में इतिहासकार आरवी स्मिथ लिखते हैं कि बहादुर शाह के नेतृत्व के लिए राजी होने का एक किस्सा है। बहादुर शाह के निजी सचिव जीवन लाल के मुताबिक बहादुर शाह को एक सपना आया था, जिसमें उनके दादा शाह आलम ने उनसे कहा कि 100 साल पहले हुई प्लासी की लड़ाई का बदला लेने का वक्त आ गया है, जिसके बाद बहादुर शाह जफर ने विद्रोह का नेतृत्व करने का फैसला ले लिया। हालांकि जब बहादुर शाह ने नेतृत्व का फैसला किया उनकी उम्र 82 साल थी। उन्हें लगातार खांसी आती थी, जिसके चलते वे बहुत कम सो पाते थे। उनकी ऐसी ही हालत में मौत भी हुई थी। इतिहासकार सैयद मेहदी हसन अपनी किताब बहादुर शाह जफर एंड द वॉर ऑफ 1857 इन दिल्ली में लिखते हैं कि बहादुर शाह के कर्मचारी अहमद बेग के अनुसार 26 अक्टूबर से ही उनकी तबीयत नासाज थी और वो मुश्किल से खाना खा पा रहे थे। विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बहुत कड़े कदम उठाए और विद्रोह दबाने के लिए दिल्ली आए अंग्रेज लेफ्टिनेंट मेजर हडसन ने उन्हें उनके बेटे मिर्जा मुगल और खिजर सुल्तान व पोते अबू बकर के साथ पकड़ लिया, जिनका बाद में खूनी दरवाजे के पास कत्ल कर दिया गया। बाद में उनके शवों को सड़ने के लिए गुरुद्वारे के पास फेंक दिया गया। विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को सजा देने के लिए देश से निर्वासित कर रंगून, आज यंगून, भेज दिया, जहां उनकी मौत 1862 में बर्मा, अब म्यांमार की तत्कालीन राजधानी रंगून, अब यांगून में हो गई थी। इसके बाद उन्हें अनजान किसी जगह दफना दिया गया। लोग कुछ सालों में यह भी भूल गए कि उन्हें कहां दफनाया गया है। जफर की मौत के 132 साल बाद साल 1991 में एक स्मारक कक्ष की आधारशिला रखने के लिए की गई खुदाई के दौरान एक भूमिगत कब्र का पता चला। 3.5 फुट की गहराई में बादशाह जफर की निशानी और अवशेष मिले, जिसकी जांच के बाद यह पुष्टि हुई कि वे जफर की ही है। भारत के मशहूर मुगल कालीन इतिहासकार हरबंस मुखिया लिखते हैं, अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को दफन कर जमीन को बराबर कर दिया था, ताकि कोई पहचान नहीं रहे कि उनकी कब्र कहाँ है। इसलिए उनकी कब्र कहाँ है इसे लेकर यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता।